हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक। योर ऑन यूट्यूब चैनल आए हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो यस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, देन और क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में वो भी देख लेते हैं। देन इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनके बारे में भी जानेंगे। एंड देन हम जानेंगे हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर और लुईस पास्चर। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि लुईस पास्चर हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फिर एडवर्ड जेनर है, तो कौन है इनमें से। ठीक है, लास्टली हम जानेंगे कौन कौन से हिस्टोरिकल माइलस्टोन हैं इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इम्यूनोलॉजी क्या है और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इम्यूनोलॉजी, देन हम जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में, एंड देन हम जानेंगे इम्यूनोजन एंड एंटीजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इम्यूनोलॉजी क्या है। तो ये साइंस है जो किसकी स्टडी से कंसर्न करती है, सिस्टम ऑफ बॉडी डिफेंस। सिस्टम ऑफ बॉडी डिफेंस को हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को डिफेंस देता है और साथ साथ जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, बेसिकली इम्यून सिस्टम की स्टडी को ही हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनोलॉजी कह रहे हैं। नेक्स्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो क्या होता है, इम्यूनिस। ठीक है, जो कि मतलब क्या है इसका, फ्री ऑफ बर्डन, यानी कि सब किसी भी बर्डन से मुक्त होना। ठीक है, रेफर करती है किससे, रेजिस्टेंस से किसी भी होस्ट के। ठीक है, किसी भी इंजरी के लिए, जो कि किसके वजह से हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुई है, फिर उसके प्रोडक्ट की वजह से हुई है, वो क्या होगी, इम्यूनिटी होगी। यानी कि किसी भी होस्ट की ऐसी पावर जिससे वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज, उससे इंजरी या कोई भी प्रॉब्लम हो रही या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या उससे सिक्रीट होने वाले प्रोडक्ट से, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है या रेजिस्ट करती है। अब नेक्स्ट आता है इम्यूनोजन। तो कोई भी फॉरेन सबस्टेंस जो इंड्यूस करता है स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी और या फिर रेजिस्टेंस देता है हमें, यानी कि होस्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोजन कहते हैं। ठीक है, अब इम्यूनोजन और एंटीजन ना बहुत लोग सेम समझते हैं, बट इनमें भी डिफरेंस होता है। एंटीजन क्या है, सबस्टेंस है जो रिएक्ट करता है स्पेसिफिकली और प्रोड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, वो क्या होता है, एंटीजन। सो अब डिस्कस करेंगे हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो यस, टू नेम्स आते हैं हमारे सामने, एक एडवर्ड जेनर एंड लुईस पास्चर। सर एडवर्ड जेनर का एंड सर लुईस पास्चर का, दोनों ने ही बहुत ही नोबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बट यस, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उस हिसाब से जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कंसीडर किया जाता है वो एडवर्ड जेनर को, बट फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी हम किसको कंसीडर करते हैं, लुईस पास्चर सर को। तो यस, ये क्या थे, एडवर्ड जेनर कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, ये टाइटल रिसीव किया बिकॉज उनकी बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स थी इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन। ठीक है, साथ साथ उन्होंने वैक्सीन तो डेवलप किया था, कैसा, जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स को। ठीक है, ये कौन थे, एक इंग्लिश फिजिशियन थे, ये बता ही चुके हैं, फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, एंड लुईस पास्चर ने ये टाइटल रिसीव किया है क्यों, क्योंकि उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इंट्रोड्यूस द होप दैट द इन्फेक्शस डिजीज कुड बी प्रिवेंटेड बाय प्रोफाइलेटिक वैक्सीनेशन। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो इन्फेक्शस डिजीज़ है वो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोफाइलेटिक वैक्सीनेशन से। साथ ही साथ उन्होंने क्या दिया था, थेरेप्यूटिक वैक्सीन्स के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, इफ़ अप्लाइड सून इनफ आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, क्या, यानी कि जो इन्फेक्शस डिजीज उनको ट्रीट किया जा सकता है अगर हम क्या करें, यस, थेरेप्यूटिक वैक्सीन दें उस पेशेंट को या फिर जिसमें भी वो इन्फेक्शन हुआ है, तो वो इन्फेक्शन के जल्द से जल्द। तो सो नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर हम हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन इम्यूनोलॉजी। ठीक है, लुईस पास्चर एंड एडवर्ड जेनर के इससे अलग भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आप चाहते हैं मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो आपको उनके बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, माइलस्टोन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में, अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता था प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके भी देख सकते हैं। तो यस, वापस से आ जाते हैं, तो यहाँ पर ईयर इन्वेस्टिगेटर्स एंड डिस्कवरी इस तरीके से लिखी हुई है टेबल में, इससे आगे की डिस्कवरी नेक्स्ट पेज पर है, नेक्स्ट स्लाइड में है, एंड उससे आगे की डिस्कवरी नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो यस, सबसे पहले 1798 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन दिया था, देन 1880 में लुईस पास्चर ने डेवलप किया था इम्यूनाइजेशन टेक्निक्स को।
1881 में डिज़ाइन की थी उन्होंने एंथरेक्स वैक्सीन, एंड 1885 में डेवलप किए थे रेबीज का वैक्सीन। देन 1884 में एली मेटनिकॉफ ने क्या दिया था, फाइगोसाइटोसिस के बारे में बताया था। फाइगोसाइटोसिस मतलब, फाइगो मीन्स ईटिंग, साइटोसिस मतलब सेल। सेल क्या करती है, जब दूसरी पैथोजेनिक सेल को क्या कर लेती है, अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस। नेक्स्ट 1890 में वैन बेहरिंग ने क्या किया था, प्रिपेयर किया था एंटीटॉक्सिन फॉर डिप्थेरिया एंड टिटनेस, यानी कि डिप्थेरिया एंड टिटनेस के लिए उन्होंने क्या दिया था, एंटीटॉक्सिन दिया था। नेक्स्ट 1895 में जूलीज बोर्डेट, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था एंटीमाइक्रोबियल पावर को कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन 1981 कार्ल एंड स्टेनर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुपिंग। आज जो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सब किसने दिए थे, कार्ल एंड स्टेनर ने दिए थे, ठीक है। कैसे ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं वो भी वीडियो में बना चुके हैं, बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। यस 1903 जेम्स राइट ने डिस्कवर किया था एंटीबॉडीज इन द ब्लड ऑफ इम्यूनाइज्ड एनिमल, ठीक है, क्या दिया था उन्होंने, इम्यूनाइज्ड एनिमल में, ठीक है, एंटीबॉडीज को उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, इम्यूनाइज्ड एनिमल के ब्लड में। नेक्स्ट है अगेन अदर डिस्कवरीज, 1906 में अगस्त वॉटसमैन ने क्या किया था, यस फर्स्ट सीरियोलॉजिकल टेस्ट दिया था सिफिलिस के लिए। देन 1955 में जर्नी एंड बर्नेट ने क्या किया था, क्लोनल सेलेक्शन थ्योरी दी थी। देन 1957 में किसने किया था, यस एलिक आइजैक एंड लिंडरमैन ने क्या किया था, इंटरफेरॉन्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट है 1959 में ये थे गेराल्ड एडलमैन एंड यस रोडनी पोर्टर ने क्या दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज दी थी। देन 1960 रोजलिन येलो ने क्या दिया था, रिया टेस्ट होता है RIA, ठीक है, तो इन्होंने रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक दी थी, उसकी टेक्निक किसने दी थी, रोजलिन येलो ने। देन 1962 में रोडनी पोर्टर ने क्या दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। देन 1975 में केसर माइलस्टीन, जॉर्ज कोहलर एंड यस नील जेरनर ने क्या दिया था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है आजकल मॉडर्न इम्यूनोलॉजी के लिए भी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नेक्स्ट 1983 ल्यूक मोंटेंजियर एंड रॉबर्ट गैलियो ने क्या दिया था, आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन किया था किसका, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट 1987 सुसुमा टोनगे वाला, इन्होंने क्या किया था, मोलिकुलर जेनेटिक्स ऑफ एंटीबॉडी जीन्स दिया था, ठीक है, एंटीबॉडी जीन्स का पूरा मोलिकुलर बायोलॉजी इन्होंने, मतलब मोलिकुलर जेनेटिक्स के बारे में बताया था उसके। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे 1998 में, यस कैरोल टेकेट, इन्होंने क्या किया था, ट्रांसजेनिक पोटैटो कन्फर्स इम्यूनिटी, ठीक है, ट्रांसजेनिक पोटैटो में कैसे इम्यूनिटी, उसके बारे में बताया था इन्होंने। देखिए यहाँ पे कैपिटल ओ आएगा, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लें। 2001 में ओबे यूई होंग एंड विंग पुई कोंग, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एड वैक्सीन बनाया था एट NIAID's वैक्सीन रिसर्च सेंटर, जिसको क्लिनिकल ट्रायल में एंटर हुआ था, ठीक है, 2001 में फर्स्ट वैक्सीन था एड्स के लिए, बट यस अभी तक आपको भी पता है ये अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, 2021 चल रहा है, अब दो दिन में ये 22 भी बदल जाएगा, तो यस 2022 आ गया है लगभग और अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट 2002 रैंडल प्रेथर, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी क्या थी इनकी, इन्होंने क्लोन किया था फर्स्ट नोकआउट मिनिएचर्स स्वाइन को, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर मैं कह सकती हूँ इम्पोर्टेंस था किसकी तरफ, एनिमल्स से ह्यूमन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि एनिमल्स के ऑर्गन ह्यूमन में जब लगाए जा सकते थे तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था किसने, यस रैंडोल प्रेथर ने 2002 में। नेक्स्ट 2003 जूलिया वाई वैंग, इन्होंने क्या किया था, न्यू एंथरेक्स की वैक्सीन दी थी, क्योंकि पुराने वाली थी
वैक्सीन पहले भी अवेलेबल थी, हमें पता है सर लुईस पास्टर ने दी थी, बट इन्होंने क्या की थी, एक न्यू वैक्सीन दी थी। किसके लिए, किसने दी थी, जूलिया वाई वेंग ने। ये जो डिस्कवरीज मैं आपको बता रही हूँ उनसे अलग भी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बट यहाँ पर मैंने क्या किया था, कुछ जो माइलस्टोन्स थे इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी उनकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज शेयर की हैं। यहाँ पर एक डिस्कवरी मैंने अलग भी ली है, बट ये उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट है 2004 में मैथ्यू बेल ने एक न्यू डीएनए वैक्सीन दी थी एंथ्रेक्स से अगेंस्ट दी अगेन। देन 2005 में इनका नाम क्या है, इयान हेक्टर फ्रेजर, इन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, ठीक है, किसका, पेपिलोमा वैक्सीन का, ठीक है, को डेवलप किया था इन्होंने, कौन थे ये, इयान हेक्टर फ्रेजर। देन 2011 में कार्ड एजून, इन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट किया था फर्स्ट सक्सेसफुल यूज़ ऑफ स्कार टी सेल्स, ठीक है, CAR T cells जो एक्सप्रेस कर रही हो रही थी द 4-1BB कोस्ट इम्यूलेटरी सिग्नलिंग डोमेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CD19 प्लस मेलिगनेसिस, ठीक है। देन 2020 में हमें पता है कि 2019 था, ठीक है, उसका जो दिसंबर मंथ था उससे हमें कौन मिला, COVID-19, जो कि अभी तक हम उससे जूझ रहे हैं, नए नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं उसके, अभी ओमिक्रॉन आया है, ठीक है। तो क्या ना, उसके बाद से जो मेन फोकस रहा है सबका वो किस पे शिफ्ट हो गया, कोविड पर शिफ्ट हो गया, तो उसके वैक्सीन्स आए हैं बहुत सारे। तो 2020 में फर्स्ट mRNA वैक्सीन था BNT162B2 यानी कि mRNA-1272, ठीक है, इसको डेवलप किया गया था SARS-CoV-2 जो कि COVID-19 का कोजल ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्शन के लिए। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, कम्प्लीट मतलब टेक्नोलॉजी का जो कम्प्लीटेड डिज़ाइन था वो बनाया गया था, इसकी टेस्टिंग थी, इमरजेंसी अप्रूवल भी दिया गया था एक ईयर के अंदर इसको। इसके बाद आपको पता है इंडिया में भी वैक्सीन डेवलप की गई थी, ठीक है। तो ये क्योंकि एक टीम वर्क था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर जो मेन इन्वेस्टिगेटर था उनका नाम यहाँ पर मिसिंग है। सो यस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हाइलाइट्स एंड हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो यस, आज इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।